कल रात के टेलीकास्ट एपिसोड में आप सब देखने वाले हैं कि फाइनली द्रौपदी अपने मन की बात श्री कृष्ण से कह देंगी। वो कहेंगी कि यहाँ जितने भी योद्धा आए हैं स्वयंवर में भाग लेने, मुझे उनमें से कोई भी योद्धा पसंद नहीं आया। मुझे अभी पसंद नहीं है तो प्रतियोगिता कोई जीत भी जाता है तो क्या, उसके लिए मेरे दिल में मेरे हृदय में प्रेम तो होगा ही नहीं। यहाँ पर श्री कृष्ण द्रौपदी को मनाते हुए आएंगे नज़र और कहेंगे कि तुम अपने स्वयंवर को खुद ही चुनोगी इस स्वयंवर में और यकीनन वो तुम्हें पसंद भी आएगा। लेकिन श्री कृष्ण की बातें द्रौपदी के सर के ऊपर से जाती हैं और वो परेशानी में नारायण को याद करती हैं और कहती हैं कि अब इस समस्या का निवारण सिर्फ और सिर्फ नारायण को ही करना होगा, उन्हें ही स्वयं मेरी मदद करनी होगी। लेकिन नारायण तो खुद श्री कृष्ण हैं और ये सारा सब कुछ जो द्रौपदी के साथ हो रहा है वो उन्हीं की इच्छा के अनुसार हो रहा है, लेकिन द्रौपदी इस बात से अनजान है। और कल रात के एपिसोड में आप देखेंगे कि फाइनली अर्जुन आ ही जाएंगे द्रौपदी के स्वयंवर में, जहाँ पर कोई भी बाण की प्रतियोगिता पूरी नहीं कर पाएगा। ऐसे में आप सब के अर्जुन उठाएंगे बाण और लगाएंगे मछली की आंख पर निशाना, जिसके बाद वो हमेशा हमेशा के लिए द्रौपदी को अपना बना लेंगे। ये सब कुछ बड़े ही खूबसूरत तरीके से आपको देखने के लिए मिलने वाला है कल रात के एपिसोड में, जिसमें द्रौपदी का खूबसूरत ब्राइडल लुक भी आपको देखने के लिए मिलेगा। तो हो जाइए तैयार कल रात के एपिसोड के लिए, क्योंकि कल ही होगी हमारे श्री कृष्ण की सारथी चुनने की प्रतियोगिता शुरू और वहीं होगा द्रौपदी का स्वयंवर का चयन भी। Yeah.